भाई बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है भाई। इतना क्राउड देख के ना मेरा मन तो नहीं हो रहा नहाने का, बट और कुछ ना अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए। पानी बहुत गंदा लग रहा है तो भाई, मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है भाई। क्या पब्लिक है भाई, देखो जरा दूर दूर तक भाई देखो। So hey guys, welcome back to the fresh new vlog of Uttarakhand Beauty. So मैं हूं सचिन, और यार आज ना मैं थोड़ा सा हिडन पार्ट को छोड़ के ना देहरादून के एक फेमस स्पॉट पे आया हूं। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहां पर आया हूं, तो भाई आज मैं आया हूं देहरादून के एक फेमस नहाने के स्पॉट पे जिसका नाम है सहस्त्रधारा। कितना रश है भाई देखो जरा आप। क्राउड आपने देख लिया होगा, आज मैं संडे में आने वाला था बट मुझको लगा कि संडे में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है तो नहीं आना चाहिए, इसलिए ना आज मैं मंडे में आया हूँ। बट अब भाई मंडे में भी क्राउड देखो कितना ज़्यादा है, मतलब देहरादून में ना जो टूरिज़्म है कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत भीड़ है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। तो चलो करते हैं फिर थोड़ा सा हिडन को छोड़ के आज फेमस पे आते हैं और आपको दिखाते हैं ब्लॉग। बट ब्लॉग को स्टार्ट करने से ना पहले आप ये देखो, देखो असली गंदगी ना इसको कहते हैं यार। जो भी ये लोग गंदगी करते हैं ना भाई, मेरा उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, जब आप किसी ऐसे प्लेस पर ये सब आइटम लेकर जा सकते हो तो भाई अपने साथ लेकर आ भी सकते हो, बहुत सिंपल है भाई। तो भाई इसको फॉलो करो और नेचर को गंदा मत करो, ठीक है। चलो अब आओ व्लॉग पर। देखो भाई जरा क्राउड, भाई साहब क्या पब्लिक है भाई, देखो जरा दूर दूर तक भाई देखो, ये देखो क्या रश है भाई, तगड़े वाला भाई, बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। एंड गाइस यहाँ पर आपको टू व्हीलर के जो चार्जेस हैं वो है 10 रुपीज और फोर व्हीलर के चार्जेस हैं 50 रुपीज, ठीक है। ये एंट्री फीस है सहस्त्रधारा की। बट भाई ये देखो तो जरा, बहुत बहुत भाई बहुत फैमिलीज आई है, गंदगी भाई कितनी गंदगी है। जब आप एंट्री फीस ले रहे हो ना तो भाई एंट्री फीस से कुछ यहाँ पे हाइजीन का भी थोड़ा सा ध्यान रखो यार, थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए आपको भाई। इतना क्राउड देख के ना मेरा मन तो नहीं हो रहा नहाने का, बट फिर भी यार किसी समर से रिलेटेड किसी भी प्लेस पे जाओ और वहाँ पे ना नहाओ तो फिर मज़ा भी क्या। अब नहा के तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, सही है। बाकी प्लेस ठीक है बट क्राउड बहुत है, और यार क्राउड तो होगा, समर है, समर में तो जो लोग हैं ना वो इस तरह के प्लेस घूमते ही। बट हाँ सही है, देखो आप प्लेस ठीक है यार। मैं आज से पहले ना सहस्त्रधारा नहीं आया हूँ, मैं आज फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ सहस्त्रधारा, और देखो भाई मौसम भी ना बारिश वाला हो रहा है, तो जल्दी से नहाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइज आपको ना यहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाती है, देखो 50 रुपीज़ है, कहीं कहीं पर इससे कम भी है, 20 रुपये में भी आपको लॉकर मिल जाता है। बट ये जो लॉकर है ना ये जस्ट आपको पानी के साथ में मिलता है, और चेंजिंग रूम का भी यहाँ पर है, देखो 10 रुपीज़ पर हेड चेंजिंग रूम भी आपको मिल जाएगा। तो यही है यार, यहाँ पे फैसिलिटी सारी है बट थोड़ी गंदगी है। और गाइस यहाँ पर ना आपको नहाने के लिए ट्यूब्स भी मिल जाती है, और जो ट्यूब के चार्जेस है ना वो सबसे छोटी वाले लोगे तो 50 रुपये, फिर 80 रुपीज़, देन 100 रुपीज़, तो तीन टाइप की यहाँ आपको वेराइटीज़ मिल जाती है ट्यूब की। तो ट्यूब के थ्रू भी आप नहाना चाहते हो ना तो वो भी आप यहाँ पे नहा सकते हो। तो भाई देखो सहस्त्रधारा आए थे और कुछ ना अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब फैमिली वाले, यूट्यूब की फैमिली वाले। ये देखो भाई, भाई यहाँ पे दीदी भी है, ये भी कह रही मैं सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, और ये छोटू भाई ये मुझे से कह रहा था कि भैया आप तो उत्तराखंड ब्यूटी वाले हो, मैंने कहा ना मेरा कोई चैनल नहीं है, फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ मैं उत्तराखंड ब्यूटी से हूँ। तो मज़ा आ गया यहाँ पे, फुल इन्जॉय किया, कब से आ रखे हो यहाँ पे? तो भाई क्राउड तो काफी है, नहाना भी पड़ेगा, जब आपको प्लेस दिखाते हैं तो नहाना तो पड़ेगा। चलो नहाते हैं फिर डायरेक्ट आपको पानी में मिलते हैं। फाइनली बहुत सारे स्पॉट को ढूंढ के ना एक ये वाला स्पॉट मिला है जहाँ पे ज्यादा रश नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल सा ही रश है, तो यहाँ पे देखते हैं पानी नॉर्मल ही है, ज्यादा ठंडा पानी नहीं है बट ठीक है। लेकिन पानी ना आप ये नहीं कह सकते कि क्लियर है, यहाँ पे पानी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा गंदा है। जब वहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग नहाएंगे तो यार पानी तो गंदा हो ही जाएगा। तो भाई अभी तो मैंने पानी में डुबकी भी नहीं मारी, पानी बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन क्या करें यार नहाना भी पड़ेगा। सही है यार, देहरादून का कुछ फेमस स्पॉट है ये, तो थोड़ा सा क्राउड तो बनता ही है यहाँ पे।
बहुत, थोड़ा नहीं बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा। और कहने को यहाँ पे आज संडे भी नहीं, आज मंडे है, फिर भी इतना क्राउड है। पानी पता कैसा हो रहा है, पानी ऐसा हो रहा है कि सुबह से लेके शाम तक बैठ जाओ पर ठंड नहीं लगेगी। हाँ यहाँ पे पानी ऐसा ही है, सुबह से लेके शाम तक बैठ जाओ लेकिन आपको ठंड नहीं लगेगी, पानी बिल्कुल ठीक है। गर्म पता क्यों है? गर्म क्यों है समझ जाओ आप। पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पे। कर दो गोल्डी भाई जय माता दी, कर दो गंगा जी समझ के स्नान कर लो, गंगा जी समझ के स्नान। ये चलो भाई फाइनली हमने भी डुबकी लगा ली है गरम गरम पानी में। सही है यार, ठीक ठाक मजा है यहाँ पे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और भाई भैया कह रहे मुझको तो वीडियो में ले लो, अब आ ही गए यार लोग। चलो भाई खुश है यार, किसी को भी खुशी मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए यार किसी को। अगर अपनी वीडियो से किसी को खुशी मिल रही है तो नो इशू यार, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यार टाइम ना मतलब कि अभी ज़्यादा हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा सा ना हाँ बारिश का मौसम हो रहा है यार। तो यार ब्लॉग को ना ज़्यादा लंबा नहीं खींचते यार, बस ब्लॉग को थोड़ा सा रखते हैं और बाकी फिर दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग, और भी मज़ा आएगा। ठीक है तो आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलते हैं आपको किसी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे ही उत्तराखंड के प्लेसेस देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। ठीक है तो बाय बाय, हम मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है भाई, देखो बैक साइड में दिखाता हूँ, देखो मैं आपको वो देखो भाई पीछे जरा, ये देखो मौसम कैसा भाई, बिल्कुल काला काला हो रहा है। अभी भी भाई आप क्राउड देखो, बारिश होने वाली है फिर भी क्राउड देखो कितना है, फिर भी भाई बहुत ठीक है यहाँ पे क्राउड। अभी भी लोगों को बारिश का कोई डर ही नहीं है कि ज़्यादा बारिश आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन नहाना है। वो छोटे छोटे आप सामने देख रहे हो ना, ये खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पे। अरे भाई कर ऐसे, अरे भाई पीछे कुंभ का मेला छोड़ गया। अरे यार